दोस्तों मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अंकित ठाकुर टेक। देन दोस्तों आज के इस वीडियो में गणतंत्र दिवस का पोस्टर बनाने को सिखाऊंगा। दोस्तों कैसे गणतंत्र दिवस का पोस्टर बनाया जाता है, कैसे अन्य फेस्टिवल का पोस्टर बनाया जाता है। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर जो मेरे चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि जो मैं वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप ही को पहुंचे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों और आपको बताते हैं गणतंत्र दिवस का कैसे पोस्टर बनाना है। दोस्तों पोस्टर बनाने से पहले आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, वहां से आप एक PNG को डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद क्या करना है, आपको प्ले स्टोर पर जाना है। उसके बाद यहां पे पिक्सल लैब एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। फिर गैलरी में जाके अपना PLP फाइल जो आप लिए थे उसको PNG उसे आपको यहाँ पे पिक्सल लैब एप्लीकेशन में यहाँ पे शेयर कर लेना है। जैसे कि मैं फाइल शेयर कर ले रहा हूँ, उसे आपको सिंपली फिर यहाँ पे शेयर करके ओके पे क्लिक कर देना है। दोस्तों इतना करने के बाद आपको क्या करना है, पहले तो आपको यहाँ पे टेक्स्ट वाला ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे न्यू टेक्स्ट का, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एडिट का एक ऑप्शन मिलेगा, इसे एडिट करके अपना नाम जो है आपका यहाँ पे अपना नाम डाल लीजिएगा। नाम लिखने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे ओके क्लिक करना है। ओके क्लिक करके इसको नीचे स्क्रॉल करके लाना है और इसको यहाँ पे थोड़ा जूम आउट करना है, यानी बड़ा करना है दोस्तों यहाँ पे। और यहाँ पे क्या करना है, इसे अपने साइज के हिसाब से यहाँ पे इस पर एडजस्ट करके यहाँ पे रखना है दोस्तों। उसके बाद क्या करना है, आपको यहाँ पे ये पे क्लिक करके और यहाँ पे थोड़ा स्क्रॉल करके आप साइड में आइएगा तो इसका कलर जो है यहाँ पे चेंज करके आप यहाँ पे कोई भी कलर एक लगा सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे कोई एक कलर चूज कर ले रहा हूँ जो मुझे अच्छा लगे। अगर जो आपको भी जो कलर अच्छा लगेगा वही आप यहाँ पे चूज कीजिएगा। फिर दोस्तों आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे एक AB फॉन्ट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। AB फॉन्ट पे क्लिक करते ही आपको कोई भी एक फॉन्ट सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे कि मैं एक फॉन्ट सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद आपको फिर ऐसे सिंपली कर लेना है। उसके बाद क्या करना है, आपको यहाँ पे स्क्रॉल करते हुए आना है और यहाँ पे स्टॉक का एक ऑप्शन मिलेगा, स्टॉक इस पर इनेबल्ड कर देना है। इनेबल्ड करने के बाद आपको थोड़ा यहाँ पे हल्का हल्का अंडरलाइनिंग दिखेगा दोस्तों, इसको थोड़ा अगर जो आप बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पे बढ़ा सकते हैं दोस्तों। और उसके बाद क्या करना है, आपको यहाँ पे ओके क्लिक कर देना है। ओके क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस टाइप का दिखने लगेगा। उसके बाद आप शेडो वाला ऑप्शन मिलेगा, इस शेडो वाले ऑप्शन को जैसे इनेबल करेंगे तो आपके पीछे यहाँ पे शेडो लेटर के पीछे यहाँ पे शेडो दिखने लगेगा, तो थोड़ा अच्छा लगेगा दोस्तों शेडो अगर जो आप लगा देंगे। फिर आपको क्या करना है दोस्तों, आपको यहाँ पे एक फोटो ले लेना है दोस्तों। यहाँ पे जो गैलरी में आप फोटो रखे हैं दोस्तों उनसे यहाँ पे फोटो जो लगाना चाहते हैं वहीं पे आपको यहाँ पे ले लेना है दोस्तों। अगर जो आप फोटो अभी बैकग्राउंड नहीं रिमूव किए हैं तो दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, आपको गूगल पे जाना है और उसके बाद यहाँ पे BG रिमूव सर्च कर देना है दोस्तों। फिर दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का ऑप्शन आएगा, उसके बाद अपलोड पर क्लिक करिएगा दोस्तों। आपको यहाँ पे गैलरी सेलेक्ट कर लेना है अपना दोस्तों, यहाँ पे अपना फोटो एक सेलेक्ट कर लीजिएगा जिसे आप लगाना चाहते हैं। उसके बाद क्या करना है, आपको डाउनलोड वाला ऑप्शन मिलेगा, इस डाउनलोड वाले ऑप्शन पे जैसे आप क्लिक करेंगे ये आपका फोटो जो डाउनलोड होकर आपके गैलरी में चल जाएगा। उसके बाद आपको फिर जाना है अपने पिक्सल लैब एप्लीकेशन में यहाँ से, और उसके बाद प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और फिर गैलरी में जाना है। फिर आपको उस फोटो को सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद यहाँ पे ओके कर लीजिएगा और फिर आपको अपने फोटो के हिसाब से यहाँ एडजस्टमेंट करके थोड़ा यहाँ पे छोटा करके और यहाँ पे आप लगा लीजिएगा दोस्तों। यहाँ पे जो आपका फोटो वाला लगाने का ऑप्शन है यहाँ पे उसे लगा लीजिएगा, आपका यहाँ पे एडजस्ट कर लीजिएगा दोस्तों। फिर दोस्तों यहाँ पे फोटो वाले ऑप्शन फोटो पे क्लिक करिएगा, उसके बाद यहाँ पे थोड़ा जो यहाँ पे एक ही बगल में ऑप्शन है इस पर क्लिक करिएगा। उसके बाद क्या करना है, आपको यहाँ पे जो शेडो वाला ऑप्शन है उसे यहाँ पे इनेबल कर देना, जाके पीछे परछाई थोड़ा आया और अच्छा दिखे, यहाँ पे लुक इसका अच्छा लगेगा दोस्तों। तो दोस्तों ऐसे ही पोस्टर बनाया जाता है। कैसा लगा वीडियो, अगर जो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही।